हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है दशा का व्रत। मैं नहाकर तैयार तो नहीं हुई हूँ, नहा लिया है, सिर्फ हेयर वॉश वगैरह कर लिए है, पर बाल गीले गीले, तो आज तो पूरे सूखने दूंगी। लास्ट टाइम मैंने बाल धोए थे तो तब मेरा सिर बहुत चढ़ गया था और तबीयत भी ख़राब हो गई थी, पर आज तो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ। ये अब पूरी तैयार हो गई, तब बताऊँगी मैं कैसी लग रही हूँ। ये साड़ी फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ और इसका ब्लाउज स्टिच किया हुआ पर थोड़ा सा लूज है, उसको टाइट वगैरह सब करना पड़ेगा मुझे, तो सब कंप्लीट सेटिंग करके रेडी हो जाती हूँ। मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी जा रही हूँ पुराने घर पे। और ज्वेलरी तो कुछ पहनी नहीं है मैंने नॉर्मल, क्योंकि इसके ऊपर इतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हेवी ब्लाउज है इसलिए। और अभी सब जने पहुँच गए पुराने घर, मैं ही लेट हूँ तो अब मैं भी पहुँच जाती हूँ। तो बस बाल भी बनाए नहीं, गीले गीले बाल थे भाई। ओ घर में कबूतर घुस गया। कैमरा बड़ा वाला लेके आई क्योंकि कुछ मेरे को पकड़ना नहीं है इसलिए। चाय पानी की व्यवस्था कर। क्या कहना चाहोगे? हाय, आज सब जने हम दर्शन करने के लिए हैं, पूजा करने के लिए पानी की बोतल ले आई। पूजा सब जने कर रहे हैं, मैं और मौलवी यहाँ बैठे हुए हैं। नव ने कहा मैं शूट करता हूँ चाची पास में से, तभी नव शूट करता है। सब साना साना व्रत करे, कोने भजन नहीं करते, कोने भजन नहीं करते, सब साना साना व्रत। पथवारी माता पथवारी पूजू, पथवारी पूजी ने कई धन मांगू, धन मांगू अन मांगू, पुत्र नो परिवार मांगू, साहेब जीरो राज मांगू, पूजू रे पंथवारी। पूजा सब जनों की हो चुकी है, अब वापस से जा रहे हम घर पे और सब औरतें इसी तरीके से पूजा कर रही है, सब जने अपना सामान समेट कर। यहाँ पे अपने केशव जी भगवान फर्स्ट में यहाँ ही आए थे, इसलिए यहाँ पे इसकी पूजा करते हैं। पहले हम स्पोर्ट्स करने आते थे, गजब का ग्रीनरी थी तब तक, और तब तक नया नया पगलेजी था, इतना शानदार लगता। सब जने यहाँ पे पगलेजी दर्शन करने आए हैं क्योंकि बाहर ही पीपल था, और अभी सब जनों के दर्शन हो गए, अब बस निकलेंगे हम यहाँ से और सबके दर्शन भी हो गए हैं। बेटा हम कब आने चाहिए? सब जने तुम्हारा सूर्य भी लाई ना भैया आवे हैं दीदी भाई, घर तो स्वर्ग है वास्तव में, सही में घर तो स्वर्ग है, ठंडो भाई ये ठंडू, चलो अंदर ही चलते वो मैं जाता रहा। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पेड़ दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था उसे अपने मम्मा पास आ जाओ। कथा सुन ली है हम सब जनों ने, अब जा रहे हैं प्रसाद बनाने के लिए, यानी वो 10 मुट्ठी अब गेहूँ गिन के पूरे मम्मी लड्डू बनाएंगे। और आज तो हमारे हिम्मी हमारे व्रत के चक्कर में नहीं 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 हुई हमारी तो, चलो तो अभी नहीं दिख रही है, चलो चलो कपे कपे तो निकाल देते, चलो आशु आशु इसके इसके शूज का शूज तो निकले हमने निकले
आज इमी ओ इमी शाशा बोला ओए घर पे आ गए हैं और चेंज कर दिया है और मम्मी ने आज वो 10 मुट्ठी के गेहूं का आटा बांध दिया है, उसको मिक्सी में ही पीसा था, उसके लड्डू बनाने के लिए आटा ये बांध के रख दिया है, जो कि इस आटे का सिर्फ खाना हम घर वाले ही खा सकते हैं, जैसे कि लड़की है हिया है तो वो हमारे घर का नहीं खा सकती है, हिमायरा भी नहीं खा सकती है, ओनली फॉर बहुएँ बेटे और मम्मी पापा खा सकते हैं। तो बस इसका बनेंगे लड्डू और मैं अभी दाल बाटी की तैयारी कर रही हूँ, दाल बाटी की तैयारी कर देती हूँ, आटा पीसना है पीस देती हूँ, मम्मी ने दाल तो भिगा दी है और भाभी भी आए हुए हैं, भाभी के भी कुछ काम है शॉप का इसलिए, तो वो मंदिर से आने के बाद उन्हीं के साथ थी, वो भी बैठे हुए हैं गेस्ट रूम में। ये आटा इसका बन गया, लड्डू वाला काम पूरा मम्मी करेंगे क्योंकि इसका कण भी एक नीचे नहीं गिरना चाहिए और ये मिक्सी में पीसा है आटा तो उसको ज़्यादा टाइम तक गलने के लिए रहने देना पड़ता है, इसलिए वो उसको गलने दिया है और मैं दाल बाटी की तैयारी कर देती हूँ। बाटी, दाल, चावल और लड्डू सब बन चुके हैं, बस बाटियाँ भी होने आ गई है, अब इनको उतार देती हूँ और मम्मी खोल रहे हैं उनका व्रत, तो मम्मी तो सिर्फ लड्डू खाएंगे मम्मी तो सिर्फ लड्डू का के व्रत तोड़ेंगे, मीठा ओनली फॉर, कोई चरखा खाना नहीं। और ये सारे लड्डू जो कि 10 मुट्ठी गेहूँ के बनाए हुए हैं, क्यों खाते हैं मम्मी 10 मुट्ठी गेहूँ के लड्डू? ये 10 मुट्ठी वाला व्रत है। अच्छा, इसको दाल चावल और रोटी और कुछ भी ये नहीं खा सकते, ये लड्डू ही खा सकते और 10 मुट्ठी के ही 10 मुट्ठी वाला इसलिए। तो ये जो दशा माता का व्रत था, आज पूजन वूजन सब कुछ हुआ, ये मम्मी व्रत भी खोल रहे हैं अभी और इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा तीखा भी नहीं खा सकते और जो मुट्ठी गेहूं के लिए उसी का बना हुआ खाना पड़ता है, पर उसका लड्डू बनाते हैं क्योंकि प्रसाद बन जाता है इसलिए, और न ये प्रसाद को भोग चढ़ता है। ये मेरी प्लेट, बाटी, लड्डू, घी और दाल और ये प्याज। घी इसलिए लिया है क्योंकि बाटी के अंदर अच्छा लगता है और मैं तो पूरा खाना खाऊंगी, मम्मी के है 10 मुट्ठी वाला व्रत, मैं सिर्फ व्रत कर रही हूँ, मेरे कोई यानी धागा नहीं है, सिर्फ मम्मी के ही धागा है, तो मैं मेरा व्रत खोल देती हूँ, पानी वगैरह सब कंप्लीट लेके बैठी हूँ और मम्मी का व्रत खुल गया है। आज तो वो हो गए एकदम सुस्त हो गए, सिर्फ लड्डू ही खाने, बाकी कुछ नहीं खा सकते ये बड़ी मुश्किल से मैंने जबरदस्ती खाया है। अच्छा, माता जी भूख लगने नहीं देते? माता जी को पता है कि मेरे भक्त है, मेरे भक्त है तो उसको भूख थोड़ी कम लगा। हाँ, तो बस अब मैं भी खा लेती हूँ खाना और व्रत खोल देती हूँ पूरे दिन का। व्रत खोल दिया है और अब थोड़ी देर बाहर वॉक कर रही हूँ क्योंकि शाम को ही बाटी खाई है इसलिए, तो बस अभी वॉक करके आती हूँ और फिर आज अगर वीडियो जल्दी एडिट हो गई तो फिर रुद्र देखेंगे, रुद्र पोस्टपोन्ड ही हो रही है। यहीं पर कर देती हूँ अब मैं व्लॉग का एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं और बाटियाँ खाइए तो वॉक करने जा रही हूँ। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके, बाय।